स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ छोड़िए। हमेशा अदानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये नहीं बैठो, मगर सुनिए। तो वो जो कष्ट हुआ, दो तीन चार पांच, उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, डरो मत। क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप स्पीकर सर, अरे बैठ जाओ। ब्रदर, तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है, वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अरे रक्षामंत्री जी, आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर, ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। प्रधानमंत्री बोलेंगे ऐसे ही होंगे सर।
अरे समझ निकल जाएगी समुद्र अधीर 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 समुद्र समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज प्लीज ऐसे धमकाने का बाकी मत बोलो यहाँ पे प्लीज मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे घबराइए मत बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो और जब वो मुझसे पूछते थे शुरुआत में मुझे मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता था